सो हाय दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को क्रिएट करते वक्त कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद जो है हम अपना फेसबुक का जो भी पासवर्ड है वो भूल जाते हैं। तो कभी कभी हम जो है अपना फोन को चेंज कर लेते हैं या फिर हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। उसके बाद जो है आपको फिर से लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो यार कैसे आप अपने फेसबुक की जो भी पासवर्ड है वो आप देख सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई भी फॉरगेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने बहुत ही आसानी से आपका जो भी पुराना पासवर्ड है वो आप देख सकते हो। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने साइड कॉर्नर पर अपने मोबाइल के स्क्रीन को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले मैं अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर आपने प्रोफाइल का लोगो यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से सेटिंग्स एंड प्राइवेसी यहाँ पर आपको क्लिक कर लेनी है। यहाँ से आप देख सकते हो सेटिंग्स आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है, थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हो अकाउंट सेंटर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, और यहाँ से आप देख सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ से आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हो सेव लॉगिन आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। एंड यहाँ पर आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है, अगर आपका इंस्टाग्राम आईडी कनेक्टेड है तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपका फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पर सेव करा हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना है। अगर आपने ये ऑन करके रखा हुआ है तो आपको जो है यहाँ से बैक चले जाना है। अगर आपने सेव करके नहीं रखा है तो आपको जो है फॉरगेट करने की ज़रूरत है। और अगर आपने सेव करके रखा हुआ है तो आपको कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल को ऐसे डाउन कर देनी है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो सेटिंग यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करके नीचे आपको स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो गूगल, तो यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हो सर्च। यहाँ से आप सर्च अकाउंट पर क्लिक करके आप जो है वो ऑप्शन फाइंड कर सकते हो। यहाँ से हम जो है नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से गूगल ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर आपका जीमेल आईडी शो हो जाएगा। और अगर आपका दूसरे जीमेल आईडी पर आपको लगता है कि आपने दूसरे जीमेल आईडी पर सेव करके रखा हुआ है पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको वही जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने सारे जीमेल लॉगिन करा हुआ है वो शो हो जाएंगे। तो हमें जो है इसके अंदर जो है पासवर्ड मैंने सेव करके रखा हुआ था, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। मैनेजर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हो होम पर्सनल इन्फो डाटा एंड प्राइवेसी, उसके बगल में आप देख सकते हो एक सिक्योरिटी का ऑप्शन, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। एंड नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है, सबसे लास्ट में आप देख सकते हो पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन, आपको यहाँ क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे पासवर्ड जो है यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो बहुत सारे पासवर्ड है यहाँ पर। तो हमें जो है फेसबुक के पासवर्ड को यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे सेव करा हुआ है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक यहाँ पर इसको फाइंड नहीं कर पाऊँगा। सिंपली से मैं यहाँ से आप देख सकते हो सर्च पासवर्ड यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। एंड यहाँ से आपको ऐसे फेसबुक टाइप कर लेनी है। आप जो भी पासवर्ड फाइंड करोगे आपको उसी का जो है यहाँ पर नाम डाल देनी है। अगर आप इंस्टाग्राम का पासवर्ड फाइंड करोगे यहाँ से इंस्टाग्राम डाल देनी है। अगर आप गूगल का फाइंड कर रहे हो तो यहाँ से आपको गूगल डाल देनी है। तो यहाँ से हमें जो है फेसबुक डाल देनी है। एंड आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरा जो स्क्रीन लॉक है या फिर आपका जो भी पासवर्ड है आपको एंटर कर लेनी है। तो मैं यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आई आइकॉन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो शो हो जाएगा। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो। एंड यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहते हो आप कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आई आइकॉन पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को बहुत ही इजीली देख सकते हो। आपका जो भी पासवर्ड है फेसबुक अकाउंट का, जो भी पासवर्ड है यहाँ से आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है आप अपने फेसबुक अकाउंट को किसी भी डिवाइस पर आप लॉगिन कर सकते हो। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।